तंदूरी मोमो, इसको हम घर पे मंगवाते रहते हैं, वही वाले हैं ये एकदम बढ़िया वाले। तो ये वाला व्लॉग जो है कुछ टाइम पहले का है, मतलब इसमें आपको मेरा हेयर स्टाइल अलग दिखेगा, बट वन थिंग इज क्लियर, आप ये वाला एंजॉय व्लॉग भी एंजॉय करोगे अच्छे से। आने वाले एक दो व्लॉग में और कुछ ऐसा होगा, एंड सब्सक्राइब टू बड़े पाजी। हाँ, सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आऊंगा शायद आज या कल में, आज आ जाऊंगा शायद लाइव इंस्टाग्राम पे भी, फटाफट बड़ा फिर और इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े स्टफ आएगा। हेलो गाइस, तो अभी हम थोड़ा सा नीचे निकले थे, नॉर्मली मैं आगे बैठी गाड़ी चला रहा होता हूँ, बट आज कुछ काम था तो मेरे को ऊपर करके जाना पड़ रहा है। आसपास देख रहा हूँ, आई रियलाइज कि यार अपना दिल्ली में इट्स क्वाइट ग्रीन, काफी ग्रीनरी होती है, और पीछे अभी आपने शॉर्ट्स देखे होंगे वहाँ पे तो और भी ज्यादा ग्रीनरी होती है। पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ है दिल्ली के अंदर? इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट के पास, और एक चाणक्यपुरी भी वो बड़ा ग्रीनरी है ना, बट रोहिणी भी में काफी पेड़ है, वहाँ मार्केट ही मार्केट है, लगाओगे कहाँ पेड़, ग्राउंड ही नहीं। यहाँ पे एटलीस्ट थोड़े ग्राउंड ग्राउंड है तो ग्रीनरी अच्छी लगती है। यहाँ पे हमारे बढ़िया सही कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज, ये पहले कॉलेज होता था आपका दिलशाद गार्डन, छोटा सा कॉलेज था वहाँ पे, बट यहाँ पे नंबर पता कितने लाने पड़ते हैं। यहाँ पे SRCC कॉलेज जो है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत माना कॉलेज है, उससे भी ऊपर माना जाता है कॉलेज भैया। यहाँ पर जो है उस परसेंटेज के बाद टेस्ट अलग होता है, और उसके बेसिस पे जाती है आपकी एडमिशन होता है, और वो टेस्ट भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे अगर आप पहुँच गए तो मतलब आपने कुछ करा है, इतनी मेहनत करी है, बहुत ज्यादा आपने मेहनत करी है तभी आप यहाँ पहुँचते हो, ऐसे नहीं पहुँचते। हाँ ये बना अब ये दोस्त, बट ये जो कॉलेज था ना ये पहले दिलशाद गार्डन में होता था, और यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे सीटें बहुत कम थी, अगले 120 या 200 सीटें कुछ थी, और यहाँ ये बहुत तगड़ा कॉलेज है, इसकी ब्रांच होगी। नहीं नहीं, फिर वो अब वो कैंपस बहुत बहुत छोटा सा कॉलेज था, क्योंकि 200 सीटें तो दो चार क्लासरूम, तो बहुत छोटा सा एक मतलब कोठी जैसे ही लगता था। तो फिर उन्होंने इसका कैंपस अभी यहाँ पे रिसेंटली खोला है, बहुत पुराना कॉलेज है ये। मैं इसके पुराने वाले कैंपस में भी गया था अपने कॉलेज के टाइम पे, हम सोसाइटीज वगैरह में थे तो हम किसी काम से वहाँ पे मतलब तो जैसे कौन सी सोसाइटी था, अब तो मैं नाम ही भूल गया, कॉलेज की सोसाइटीज वगैरह होती है ना, तो उसमें हम वहाँ पे गए थे इसके कॉलेज के अंदर जाके। हाँ दिलशाद गार्डन, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है ना लास्ट वाला, जब पहले क्योंकि दिलशाद गार्डन में मेट्रो खत्म हो जाती थी, अब तो आगे चले गई, तो वहां पर बिल्कुल जहाँ खत्म होती थी उतरते ही थोड़े से दूर पे 5 मिनट के रास्ते पे था, बड़ा छोटा सा कॉलेज था, मतलब आपको देखने में लगेगा क्या है लोकल सा कॉलेज है, अंदर घुसोगे पता चलेगा एक से बढ़कर एक जीनियस बैठे हैं। शाम का टाइम हो गया है, मार्केट अच्छी लग रही है, इसको थॉ नहीं करा पहले, गेड़ी मारेंगे, और मम्मा को पसंद है किशोर कुमार के गाने, तो हम सुन रहे हैं किशोर कुमार के गाने। हम आपको किशोर कुमार इतना क्यों पसंद है? मुझे किशोर कुमार अच्छा लगता है, मोहम्मद रफी भी अच्छा लगता है मेरे को, नया म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं क्या अच्छा लगता है ये बताओ ना आप। ये एवरग्रीन होते हैं, मैं घर में भी किचन में मेरी एलेक्सा में है यही बजाती रहती है बस। किशोर कुमार और कौन सा आर्टिस्ट पसंद है आपको? मेरा फेवरेट तो हेमंदा है। हेमंदा? और वो तो मेरे हेमंत कुमार, मतलब मैं उनको हेमंदा ही बोलती हूँ, वो मेरे फेवरेट है। इंडस्ट्री में सब हेमंदा ही बोलते हैं। हाँ हेमंदा, बहुत ही प्यारी आवाज है उनकी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेसिकली मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, एवरग्रीन। ओके, तो फिर अभी हम घर आके नहा धोले हैं, आजकल मैं रात को नहाना थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये रहा हमारा कुलचा जो हमने थोड़ा थोड़ा क्या कर लिया है क्रिस्पी, और ये हमारा पनीर टिक्का भी हो गया है गर्मा गर्म, इसलिए नाइस। हॉट सॉस टाइप पड़ी है, मोमो हॉट सॉस, पता नहीं कब की मंगवा रखी है, एक्सपायरी थी इसलिए मैंने चेक कर लिया। एक और हुआ करती थी हमारे पास वो चिंग चिंग वाली, वो अभी नहीं दिख रही मुझे, तो कोई बात नहीं आज हम इसी वाली से ट्राई करेंगे। दिस ऑल्सो लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग।
क्या हुआ, मैं ये ना इसको ठीक इसको खोलने की कोशिश कर रहा था, ये वाला इसके अंदर फंसा के भाई साहब चम्मच टेढ़ा हो गया, बट ये खुला नहीं था, फिर इसको काटा। आपके साथ हुआ, आप ऐसे चम्मच टेढ़ा कर देते फिर डांट पिटती है। ये सालसा लगाएंगे हम यहाँ पे, दिस लुक्स थोड़ा टेम्पटिंग, साथ में थोड़ी थोड़ी चिली डाल देंगे। फिर मैंने टेस्ट भी नहीं करी, पहले टेस्ट तो कर लूँ मैं। वेरी टैंगी, ये स्पाइसी वाली आ गई भैया, ये देख के ही पता चल रहा है स्पाइसी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। ओके, इसको हम थोड़ा सा टोस्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर पनीर क्यूब डालेंगे, फिर खाएंगे, फिर मजा आ जाएगा। तो बेस के ऊपर हमने थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी डाल लिया, और उसके ऊपर हमने अपना पनीर रख दिया, और थोड़ा सा ओरिगैनो चिली फ्लेक्स दोबारा डाल लिया, साथ में जो बचा पनीर यहाँ पे रख दिया। इसको फोल्ड कर लेंगे एंड ये डिनर होगा। टाइम काफी लेट हो चुका है, रात के 12:01 बज रहे, ओश कोई पता भी नहीं था, बहुत काफी लेट हो गया रात में, बट भूख लग रही थी, खाना तो है, बट मजा आएगा तो हम इसको खाएंगे। ऐसे साफ साफ सड़के कितनी अच्छी लगती है ना जब बारिश आती है। ओके, फिर आज हम घूम रहे हैं, और घूमते घूमते बारिश हो रही थी। मंडी को हमने ऑफिस से उठाया था, मंडी तेरे को मैं ऑफिस से उठा लेता हूँ इस टाइम पे नॉर्मली, काफी बार हफ्ते में एक आध बार तो ही जाता है। तू मुझे ऑफिस से नहीं उठा, तू मुझे मेट्रो से, मतलब वही ऑफिस से आते हुए। मेरा ऑफिस ओखला में, वहां से उठा के दिखा कभी। हाँ हाँ, आगे अच्छा आगे देख रहे, स्पीड ब्रेकर रहेगा। ओखला पहुंच रहे यहाँ से 1.5-2 घंटे लग जाते ओखला। हाँ तो फिर नहीं बंटी, इतना दूर नहीं जाते, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अब तुम वहां पर हमें बढ़िया बढ़िया कुछ पनीर का डोसा खिला दो, पनीर टिक्का खिलाओ, तो फिर हम आ जाएंगे सबको उठा के, ऐसी कोई बात ही नहीं। उसके लिए वहाँ आना पड़ेगा, पहले बताओ ना वहाँ पे प्रोग्राम पार्टी तुम दे रहे हो, तो फिर बताओ हम आ जाएंगे। तो बेस्ट इज अगर पार्टी करनी है थोड़ी सी फैंसी, तो नेहरू प्लेस इज बेस्ट। नेहरू प्लेस, ये आ गए हमारे तंदूरी मोमोस, प्याज, चाय हमें मिली नहीं। चाय वाली जगह पे कुछ ऐसा सीन हुआ है कि चाय वाले पे उसकी गैस ही खत्म थी, तो कहता भैया हम इंडक्शन लेने जा रहे हैं। वो फिर हमने, मैं वहाँ व्लॉग कर रहा था, कहता भैया व्लॉग मत करो, वो सेट ने देख लिया तो फिर बोलेगा। मैंने बोला चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो फिर हम सोचा कहीं और चाय ढूंढे। फिर रास्ते में ये बड़ी म्यूट करना एक बार, तो हम जो है फिर रास्ते में हमें मोमोज वाला दिख गया, तो हम मोमोज खाते हैं, तंदूरी मोमोज। इसको हम घर पे मंगवाते रहते वही वाले हैं ये, एकदम बढ़िया वाले। बस भाई बस बहुत है, इतनी सारी नहीं खाएंगे हम। चलो जी उठाए, गुड चलो गाइस खाते हैं। वो काफी गिर जाता, चलो अब रखते हैं कैमरे को, कैमरे को साइड में, खाते हैं। हाँ सर, बनमस्का भी। बनमस्का में क्या होता है? वो बन होते हैं उनका, वो भी बटर। इस मौसम में चाय का अलग ही मजा ना। घर आ गए हैं और इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, ऐसे बिजलियां कड़क रही है भाई साहब, क्या ही बताएं। अब थोड़ा सा बारिश में शायद हमें भीग के जाना पड़ेगा, बट मौसम इज लाइक अल्टीमेट हो रखा है, क्या ही बढ़िया माहौल बना हुआ है, मतलब मजा आ जाता है, इतना बढ़िया मौसम है। ऐसे थोड़ा थोड़ा भीगते भागते जाने में इतना बढ़िया लाइफ, इतनी बढ़िया बिजली कड़क रही है, मजा आ रहा है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है कि क्या ही बताएं। वाओ, भूख लग रही थी तो हमने सोचा कुछ बढ़िया था मंगवा लेते, वीट मोमोज मंगवाए। मन हो रहा था मेरे को काफी टाइम से ऐसे वीट वाले मोमोज खाने का, मैंने बोला चलो आज वीट मोमोज खाएंगे। अरे ये क्या है? ये है मम्मा वीट मोमोज, लंच कर लिया था, अब डिनर प्लस लंच। ये तो बड़े हम्बल से लग रहे हैं वीट मोमोज, फिलिंग क्या है इसमें? वेजिटेबल की मम्मा, ये ओनली वेजिटेबल, हाँ इसमें पनीर वाला था नहीं ना इसमें, क्या करो। ठीक है, अच्छी बात है, सुंदर लगे झुमके बड़े। हेलो दोस्तों, बड़े पाजी लेके आए नारियल पानी, और मैं डोंगे में नारियल पानी पी रहा हूँ। ये लो पानी वाला, मलाई वाला नहीं है, टेस्टी फ्रेश है, फ्रेश है। चलो एंजॉय करो, समुंदर किनारे बैठ के हम ये इमेजिन कर लो, ये समुंदर है, इमेजिन ही कर रहे हैं ना हम इसको ना, मतलब ऐसे कुछ तो करना पड़ता है उसको, ऐसे स्ट्रॉ को ऐसे पकड़ के पियो ना,
तो वो ऐसे वाइब्रेट होती है बड़ी मस्त, बड़ा मजा आता है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टेक्निक मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रॉ वाइल्ड ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर। बोल फ्री मिला, ये मम्मा ने जुगाड़ करके दिया है बोल का। ये अभी पापा है इतना बड़ा ना, ये छोटे वाले उसमें आता नहीं है, और ये ऐसे पकड़ा रहे तो मतलब ऐसे इधर डोले उधर डोले इधर डोले उधर डोले। एक्चुअली ऐसा नहीं, ये टेबल पे बैठा हुआ था। हाँ। इसको लगा कि ये गिर ना जाए तो इसने बोला कुछ जुगाड़ कर दो, तो मैंने यही लाके दे दिया इसको। ना स्ट्रॉक हो ना, आप ऐसे थोड़ा ऐसे एक तरीके से पकड़ोगे ना पियोगे तो ऐसे वाइब्रेट होती है स्ट्रॉक। गांव की भी अलग ही वाइब्स आती है वहाँ पे, जब भी आते हैं तो याद रखना पड़ता है और एक लेन में चलना पड़ता है। सो बोरिंग बट ओके, हम तो वहीं आ गए वापसी। यही है शायद एंट्री ना, साइबर हब की एग्जिट है। ओके अभी आ रखे हैं साइबर हब में, कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ पे, थोड़ा शॉपिंग, वो बाल उड़ रहे मेरे, कुछ शॉपिंग वगैरह देखते हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक ज़्यादा है बट विल सी एंड चेक इट आउट। ये है हमारे दिल्ली का साइबर हब, यहाँ पे भी हम आते रहते हैं। मैं यहाँ पे बट लॉकडाउन के बाद ही आ रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले ही आया था, लास्ट जो आया था। यहाँ पे जो जॉब वगैरह करते हैं वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि गुड़गांव जिनको ऑफिस वगैरह रहता है तो उनसे मिलने आओ कभी, या फिर वैसे एमिन्स आ गए तो यहाँ पर आ जाते। यहाँ पे भी बढ़िया वाइब्स आती है, सारे आउटलेट्स वगैरह हैं और सब अच्छे से मिलता है, नाइस। इन्जॉय करो आप यहाँ के सीन्स। बढ़िया बढ़िया खाना है और बढ़िया माहौल है, गाने चल रहे हैं तो ज़्यादा आएगा नहीं। सब ओली आ रही है, अब ओली। ओके तो अब यहाँ से हम चलेंगे कहीं और, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग, कहीं घूमते फिरते और कहीं मिलेंगे ऐसे ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।